हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अफरोज़ा एंड यू आर वाचिंग द फैशन रिव्यूअर। सो आज मैं एक नए प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एंड दिस इज़ वाओ स्किन साइंस मल्टी रिपेयरिंग एंड न्यूट्रिशन वाटर हेयर स्प्रे। तो शैम्पू करने के एक या दो दिन बाद बालों में थोड़ा फ्रिजीनेस आ जाता है एंड स्कैल्प ड्राई हो जाता है और डलनेस दिखता है, तो तब इस स्प्रे को आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये आपकी बालों की जो फ्रिजीनेस है उसे दूर करेगा, बालों को ये वॉल्यूम देगा एंड एक शाइन भी देता है। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। ये कुछ इस तरह की प्लास्टिक के बॉटल में आता है एंड ये एक स्प्रे बॉटल है, तो इसे यूज़ करना भी बहुत ही ईजी है। इसे बस आपको हेयर पे स्प्रे करना होता है और कुछ नहीं। तो इसका जो बेस्ट पार्ट है वो है इसमें एक बटन दी हुई है, ये लॉक सिस्टम है, तो ये अभी भी लॉक है एंड ये जो बटन है इसे इस तरह से प्रेस करने से ये अनलॉक हो जाता है। तो आपको बस इसे हेयर पे इस तरह से स्प्रे करना है। एंड हाथों से इस तरह से इसे कॉम्ब करना है। बहुत ही इजी है इसे यूज़ करना एंड इसका जो खुशबू है बहुत ही अच्छा है। एंड इसे यूज़ करने के बाद फिर से ये जो बटन है इसे प्रेस करके इसे फिर से लॉक कर देना है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहेगा, वो वेस्ट नहीं होगा। तो इसका जो क्वांटिटी है वो है 100 ml एंड प्राइस है 399 rupees, लेकिन वाओ की वेबसाइट पे ये आप लोगों को 50% ऑफ में मिल जाएगा। एंड इसका जो सेल्फ लाइफ है वो है 2 years। तो ये जो प्रोडक्ट है ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्रुएल्टी फ्री है, 100% वेगन है एंड ये पैराबिन फ्री है। इसमें है प्यूरिफाइड वाटर, विच हेजल वाटर, हेलुरोनिक एसिड एंड ग्लिसरीन और भी बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं। तो विच हेजल जो है ये हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है एंड स्कैल्प पे ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करेगा और हेयर फॉलिकल्स पे जो इरिटेशन होता है उसे भी ये रिड्यूस करता है एंड साथ में बालों की जो बालों में जो फ्रिजीनेस आ जाता है उसे भी ये ठीक करेगा। एंड इसमें है ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन जो है वो आपकी स्कैल्प को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा और मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है हेलुरोनिक एसिड। तो हेलुरोनिक एसिड स्किन के लिए जितना ज़्यादा बेनिफिशियल है हेयर के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है। तो हेलुरोनिक एसिड आपकी हेयर एंड स्कैल्प को हाइड्रेट रखेगा एंड बालों की फ्रिजीनेस को ये दूर करेगा। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये एंड मुझे जब भी लगता है कि मेरी बालों की जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो गया है एंड बाल थोड़ा सा बेजान सा दिखने लगता है और फ्रिजी हो जाता है, तो तब इस स्प्रे को मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। ये इंस्टेंट आपकी बालों को शाइन देगा एंड बालों को ये वॉल्यूम देगा एंड ये जो स्प्रे है ये रिस्टोर करता है हाइड्रेशन एंड हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है। एंड आपकी अगर इचिंग की प्रॉब्लम है तो तब भी इस स्प्रे को आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो इसे आप लोग स्कैल्प के साथ साथ हेयर लेंथ पे भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड ये आपकी बालों को हाइड्रेट भी रखेगा। तो इसे आप लोग वेट हेयर पे भी यूज़ कर सकते हो एंड ड्राई हेयर पे भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो आप लोग इसे कभी भी यूज़ कर सकते हो। अमेजिंग प्रोडक्ट है, तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। तो वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना। बाय।